一个心里我们都说的怕我能提供啊一个我能提供你怎么样तो रवि सर शुरू करो ना ये शुरू अच्छा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज यहाँ हम ये टेंट स्कूल है कोई ढकवाली गोट ताल के कुंडरी के विजिट पे आए हुए हैं। कल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ग्रुप की हमारी मीटिंग हुई थी तो उसमें भी ये डिस्कस हुआ था। तो कितने कामयाब जा रहे हैं हमारे टेंट स्कूल, ये साथ में स्कूल की बिल्डिंग है तो उसकी जो है बहुत ही डैमेज हो चुकी है, पार्शली डैमेज है, तो बच्चों का ख़तरा था तो इसलिए हमने डिसीशन किया कि यहाँ टेंट स्कूल के लिए इसको सिलेक्ट किया हमने। तो टेंट स्कूल टेंट जो है वो TRDP की तरफ से यहाँ यूनिसेफ के तावन से टेंट लगाया गया है। माशाल्लाह अभी मेरे अंदाजे में 70 से ज़्यादा बच्चे जो यहाँ आज अटेंड्स है और इनरोलमेंट इनकी 100 से भी ज़्यादा है, 100 से भी ज़्यादा है। तो बेहतरीन बच्चे जो है इनका रिप्लाई दे रहे हैं और इनकी एजुकेशन का सिस्टम देख कर जो मुझे बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पे जो टीचर है उसने बड़ी मेहनत से जो है ये टेंट को सजाया हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट वगैरह लगाए गए हैं और बाकायदे स्कूल के बच्चों की कमेटियाँ भी बनाई है और पेरेंट्स की कमेटियाँ भी बनाई है और इनको हेल्थ के हवाले से जो एक्टिविटी रोज़ाना के बुनियाद पर करवाई जाती है, जैसे नाखून काटने हैं या दांतों को साफ़ करना है या साबुन से हाथ धोने हैं, तो ये एक्टिविटियाँ बहुत अच्छी हैं जो बच्चे जो एक्टिविटी कर रहे हैं। और इनसे हमने पूछा है तो सब यही कह रहे हैं कि हाथ धोने के फ़ायदे क्या हैं, ब्रश करने के फ़ायदे क्या हैं, नाखून काटने के फ़ायदे क्या हैं, किन बीमारियों से बचा हो सकता है। तो ये माशाल्लाह सब हमारी ये टीचर जो है दोनों टीचर हैं मिस्टर उज़्मा की मेहनत है और उसके साथ ही पेयर में ही काम कर रहे हैं उसके शोहर हैं माशाल्लाह, वो दोनों मियाँ बीवी जो है इस स्कूल को अच्छे तरीके से सजा रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि हमारे सिंध के अगर ऐसे हमारे टीचर ऐसे मेहनती टीचर आ जाएं और ऐसे इस तरीके से जैसे इस टेंट स्कूल को सजाया गया है और ये घरों में जाकर इन बच्चों को लेकर आए हैं, उनको जाके कहा है, वीकली इनके वालदेन से इनकी मीटिंग भी होती रहती है, गाँव वालों का भी इनसे तावन है और हमारे यूनिसेफ के तावन से जो हमारी टीमें हैं TRDP की टीमें हैं या और जो टीमें हैं वो मेरे ख्याल में हर वीकेंड पे चक्कर लगवाते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि इनको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें मुहैया कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे सिंध के स्कूल्स का सिस्टम अगर ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, तो ये सिंध का जो 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 बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं या जो पढ़ रहे हैं वो अच्छी तैलीम लेंगे और हमारी इनरोलमेंट भी बढ़ जाएगी और कोई बच्चा तैलीम से महरूम नहीं रहेगा। तो एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे यूनिसेफ का, TRDP का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जिन्होंने ये सारा सिस्टम यहाँ पे दिया है। और ये बराड़ी का गांव है, एक ढकवाली गोट, तो उसके बच्चे माशाल्लाह इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि स्कूल के रेगुलर स्कूल भी आ रहे हैं और अब तैलीम भी पा रहे हैं। थैंक यू।